let's start now. We have to draw the graph between velocity and position of the particle performing SHM. So velocity की equation ये थी, इसमें velocity भी है, position भी है. One more was there, velocity and time, that we already drawn. But velocity and position के लिए graph कैसा आएगा? So let's see. Let's see what type of graph it will be there. तो v and x, v को y पे y axis पे ले लेंगे. स्क्वायर कर लो इसको. व्हाट वी हैव टू डू, इस इक्वेशन को लिखो लिखो, v स्क्वायर कर लो ऊपर वाली इक्वेशन को, दिस वन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को नीचे भेज दो, जस्ट स्क्वायर भी किया और ओमेगा को नीचे भी शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट है तो शिफ्ट कर दिया इधर, और यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय वन कर सकते हैं, दिस इज ए स्क्वायर. तो दिस इज सिमिलर टू द वाई स्क्वायर अपॉन सिमिलर इक्वेशन टू द एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, या कॉन्स्टेंट है ना. ए को भी इधर भेजना पड़ेगा, वी हैव टू शिफ्ट ए आल्सो. नाउ इट इज मैचिंग विद द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इट इज मैचिंग विद द इक्वेशन ऑफ इलिप्स. ऑलराइट, तो ये बताओ अभी, वी कैन ड्रॉ इट इलिप्स. डू यू रिमेम्बर, हमने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा था इलिप्स का, सर्कल भी थोड़ा बहुत देखा था, तो ऐसा आएगा. देखो एक्स यहाँ पर है, एक्स की जगह क्या है अपना, इधर एक्स है, एक्स की, इनफैक्ट एक्स की जगह एक्स ही है, वाई की जगह वी है. नाउ यू टेल मी, दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस, तो विल इट बी लाइक दिस और विल बी वर्टिकल, ऐसे क्यों नहीं, वाई नॉट लाइक दिस, बोथ आर पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन विच वन इज बिगर. अगर ये बिगर है तो दिस इज द बिगर वन, तो ओमेगा इज मोर देन वन, देन इट विल बी सपोज ओमेगा इज लेस देन वन, तो ए स्क्वायर इंटू लेस देन वन विल बी स्मॉलर. इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन वन तो इट विल बी लाइक दिस. तो डिपेंडिंग अपॉन ओमेगा की वैल्यू विच एक्सिस विल बी बिगर, एक्स वाली बड़ी होगी या वी वाली, बट सडनली इट इज एलिप्स. क्लियर, मैथमेटिकल टूल्स में हम लोगों ने एलिप्स के बारे में थोड़ा पढ़ा था. अगर ये दोनों इक्वल हो जाते, ए बी इज इक्वल टू ए हो जाता है, तो सर्कल बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तब इट विल बी लाइक दिस. Got it. So this is new point. Only this graph is there in NCERT. This is another one which can be useful for your other examination. All right. So this one was the one of the questions. और याद है पाकी फार्मूले, वी मैक्स क्या होता है, ओमेगा ए, ए मैक्स क्या होता है, ए का यहाँ पढ़ा देखो, एक्सेलरेशन का रिलेशन एंड टाइम के टर्म में ये है और पोजिशन के टर्म में ये, दिस इज वाइडली यूज, दिस इज मोस्ट वाइडली यूज. एंड मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, एक्स इज इक्वल टू ए, मैक्सिमम वैल्यू होगा कहाँ पर होगा, एक्सट्रीम पर होगा. यहाँ से हम ये इक्वेशन बना सकते हैं, सॉरी इससे ये इक्वेशन बना सकते हैं. ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एस एच एम. एंड उसका क्वेश्चन भी किया हम लोगों ने, ये
कि प्लस माइनस वाले साइन मैंने बताया थे करना है, ये वाला हो गया। ओके लेट्स सी, देखो इफ वी डिवाइड ए मैक्स विद वी मैक्स व्हाट डू यू गेट मैग्नीट्यूड। इफ वी डिवाइड ए मैक्स इज ओमेगा स्क्वायर मॉड ले लो, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी जब डिफाइन करते हैं ना डिवाइड करते हैं तो मॉड ही डिवाइड करते हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ओमेगा, दिस इज ओमेगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2π/T। चलो ए मैक्स की वैल्यू पुट कर दो, ए मैक्स इज 100, वी मैक्स इज 157, 2π/T, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टी इज इक्वल टू 157 अपॉन 100 इंटू 2π, टी इज इक्वल टू 1.57 इंटू 2π। 1.57 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू लिख सकते हैं, बस ये बार इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, पाई स्क्वायर इज क्लोज टू 10, 9.89 समथिंग आएगा सेकेंड्स। ऑल राइट, तो डिवाइड किया, दिस इज अगेन दिस क्वेश्चन इटसेल्फ इज आस्क्ड समटाइम्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए मैक्स अपॉन वी मैक्स, इट इज ओमेगा, ओमेगा आने के बाद टी निकाल सकते हैं, एफ निकाल सकते हैं। ऑल राइट, ओनली टू फार्मूला यू हैव टू रिमेम्बर, ए मैक्स का वी मैक्स का, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर डन फ्रॉम दैट ओनली, है ना, ये हो गया था, देखो सेकेंड पार्ट, कुड यू डू द सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो इफ यू सी केयरफुली दिस इज नथिंग बट ए 2sin A cos B, इट इज 2sin A cos B मीन्स we can write it, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5/2 इंटू 2sin A cos B, दिस विल बी 2sin 3140 इंटू cos 3140, तो दिस इज नथिंग बट 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, ये 5/2 sin 2θ, है ना, साइन 2θ हो गया, तो इट विल बी 6/2 साइन 2θ का फार्मूला, 2sin θ इंटू cos θ। ओके इफ यू सॉल्व इट, एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, एम्पलीट्यूड इज 5/2, ओमेगा इज 628, इफ यू सॉल्व इट एफ इज इक्वल टू 100 Hz। जस्ट यू डू ट्राई टू डू थर्ड क्वेश्चन, आई एम जस्ट कमिंग इन 1 मिनट। तो हाउ टू डू द
दिस इज ओके, सेकंड पार्ट इज ओके, यस सर। थर्ड पार्ट थोड़ा सा अलग है। इसको इस टाइप के क्वेश्चन को साइन या कोसाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं बोलो। साइन या कॉस के टर्म है, इनको कंप्लीटली साइन में कन्वर्ट करना है। तो देयर आर टू मेथड्स। क्या करते हैं देखो, इसको ये फाइव फाइव है ना, अगर हम इसको हम इफ वी डिवाइडेड बाय फाइव रूट टू, इसके जो कोएफिशिएंट्स है देखो, देयर आर टू मेथड्स। ओके लेट मी शो यू हियर थर्ड क्वेश्चन। फाइव साइन थ्री वन फोर प्लस फाइव कॉस थ्री वन फोर्टी, ठीक है। या तो फाइव कॉमन लेके साइन एंड कोसाइन में, देखो यहाँ पर साइन साइन जो है एंड कोसाइन दे आर 90 डिग्री विद ईच अदर, 90 डिग्री उनके बीच में चलता है एंगल, है ना, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस बोलते हैं उसको। ऐसा ये साइन का फंक्शन हो गया फाइव, और ये कॉस का फंक्शन हो गया, इसके उसका मैग्नीट्यूड फाइव है, और ऐसे उसका ये फाइव रूट टू आ जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी, इनफैक्ट ये रिजल्टेंट आ गया उसका, इसको फाइव रूट टू, और ये एंगल वेक्टर की हेल्प से, वेक्टर की हेल्प से करें, और ये 45 डिग्री रहेगा, साइन फाइव रूट टू साइन, और ये एंगल तो रहेगा ही 3140 प्लस पाई बाई फोर, ठीक है। इनको हमने वेक्टर से ऐड कर लिया, ये 5 साइन 314 का था इधर, और ये 5 कॉस 314 का था, ये दोनों का मैग्नी जो कोएफिशिएंट है उसको लिख दिया केवल हमने यहाँ पर, है ना। सपोज कुछ और भी होता, ये सपोज ये 3 होता, ये 4 होता, यहाँ पे 3 लिखते 4 लिखते, तो उसका रिजल्टेंट आ जाता, वो सामने आ जाता है ना, कितने एंगल पे वो निकाल लेते। फिर जो है यहाँ पर साइन जो भी ये वैल्यू है प्लस जो एंगल जितना आएगा वो, दिस इज अ वन वे डायग्राम से। अदर अल्टरनेट मेथड, तो यहाँ से देखो एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा और उसका फ्रीक्वेंसी 314 से 50 आ जाएगी। अदर मेथड देखो, अल्टरनेट मेथड टू कन्वर्टेड सेम वे, ये कोएफिशिएंट है ना 5 5, इसका वो निकाल लो अंडर रूट ए स्क्वायर बी, ये कोएफिशिएंट्स को हम ए लिखेंगे, अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो दैट इज 5 रूट टू, ठीक है। तो अभी 5 रूट टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 5 रूट टू इधर, और डिवाइड भी करना है 5 अपॉन 5 रूट टू। ऑलराइट, जस्ट सी केयरफुली, हाँ 5 अपॉन 5 रूट टू बाहर मल्टीप्लाई किया और नीचे डिवाइड करेंगे दोनों में, और साइन का फंक्शन है जेड इज साइन 3140, ये भी 5 अपॉन 5 रूट टू कॉस 3140, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, 5 रूट टू बाहर, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस साइन वाले के सर साथ कॉस का टर्म लिखना, 1 बाई रूट टू इज कॉस पाई बाई फोर इंटू साइन 3140, ये कॉस वाले टर्म के साथ साइन लिखो, साइन पाई बाई फोर इंटू कॉस 3140, तो दिस इज नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन है, साइन ए प्लस बी, तो 3140 प्लस पाई बाई फोर, ठीक है। तो यहाँ से देखो, देयर फोर ए इज 5 रूट टू, और फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 50 आएगी, कल निकाली थी हमने, 314 होता तो 50 आई थी, देखो ये वाला, तो दैट्स हाउ दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, इनको हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए प्योरली, इफ इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस, इसको हम साइन में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं आइदर विद दिस डायग्राम मेथड, है ना, दो वेक्टर्स का साइन एंड कॉस क्या होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं, तो 90 डिग्री पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उससे वो आ गया ए, और एंगल जो है इसके साथ साइन के साथ कितना रिजल्टेंट कितना आगे है 45 डिग्री है उसका, वेक्टर ए के साथ, इसको थोड़ी देर के लिए वेक्टर ए मान लो, इसको बी मान लो, ये तुम्हारा आर आ गया, आर का आ गया, और कितने एंगल पे है वो ए वेक्टर के साथ 45 आगे है,
अदरवाइज कोएफिशिएंट्स को, इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं इसको ए मानो, इसको बी, इसके कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके रूट ले लो 5√2, उससे क्या होता है फिर यहाँ पर जो है सडन एंगल आ जाता है कुछ ना कुछ, और इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री है ना, यहाँ पे साइन का फंक्शन आ जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, तो उससे क्या होता है साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन हो जाता है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन, फिर उसको साइन फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो फिर हमें वी कैन से दिस इज एसएचएम, दिस इज एसएचएम, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इज एसएचएम, तो उससे फिर हम टाइम पीरियड एंड अदर थिंग्स कैन बी फाउंड आउट, ठीक है। तो एसएचएम होने के लिए ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेम होनी चाहिए, 3140 उसमें भी है, 3140 उसमें भी, दिस वाज स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन, अदरवाइज फर्स्ट टू पार्ट्स पर इजी। फोर्स लॉ देख लिया था हमने, एफ इज इक्वल टू एम ए, एंड उससे हमें एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स मिल गया, जो कि हमने बिगनिंग आप उसमें लिखा था, डेरिवेशन नहीं किया था हमने, और ये इसका डेरिवेशन किया देखो, ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग मास, ऑसिलेशन ऑफ मास कनेक्टेड टू स्प्रिंग, तो इंडिपेंडेंट ऑफ ए है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एच जी, उसके क्वेश्चन फिर से ए मैक्स एंड वी मैक्स के हैं, तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट ही है, ये भी देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन, यू कैन सी 14.9, इसमें फ्रीक्वेंसी पूछी है, फ्रीक्वेंसी में टर्म्स इंटरचेंज हो जाते हैं, इसमें देखो पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दी या 3.14, और ये के की वैल्यू दी है यहाँ से 1200 और डिवाइड बाय मास, के इज 1200 डिवाइड बाय मास 3 kg, तो ये 400 आ जाएगा, 400 का रूट 20 आ जाएगा यहाँ पर, व्हेन यू सॉल्व इट 3.2 पर सेकंड आ गया, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9, बाकी दोनों पार्ट क्या है देखो, मैक्सिमम एक्सीलरेशन एंड मैक्सिमम स्पीड, तो ये तुम्हारा वी मैक्स ए मैक्स, ओमेगा ए, ओमेगा कहाँ से मिलेगा, फ्रीक्वेंसी से, और ए वी मैक्स, सॉरी ये वी मैक्स ही था इनफैक्ट, है ना, और ए मैक्स ओमेगा स्क्वायर है, ए दिया है, एम्पलीट्यूड कितना दिया है 2 cm, जितना पुल करके छोड़ा उतनी एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा, तो दिस विल बी 2πf का स्क्वायर इनटू ए, आई थिंक मैक्सिमम मैग्नीट्यूड में मैक्सिमम ही लिखते, देखो यहाँ पर मैक्सिमम एक्सीलरेशन कमिंग इज 8 एंड मैक्सिमम स्पीड कमिंग इज 0.4, स्पीड तो ऑफकोर्स हमेशा पॉजिटिव रहेगी, दिस कैन बी आस्क्ड, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, तो ये रहा आल्सो वी मैक्स ई मैक्स के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, यू हैव टू रिमेम्बर एट लीस्ट दिस फॉर्मूलास, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, तो दिस इज गुड क्वेश्चन, यहाँ पे अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, द स्प्रिंग बैलेंस एज द स्केल दैट रीड्स फ्रॉम 0 to 50, उसकी रीडिंग 0 to 50 मैक्सिमम 50 इट कैन रीड, द लेंथ ऑफ द स्केल इज 20 cm, जब हम 50 kg लगाएंगे तो 20 cm पूरा एक्सटेंशन हो जाएगा, मीनिंग इज दिस, देखो यहाँ पे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, द स्केल इज इतना, तो एट 50 kg weight, scale will be 20 cm, मतलब it will read, extension, elongation will be 20 cm, elongation will be 20 cm, ठीक है, तो mg is equal to kx, mass 50 into g 10 ले सकते हैं क्या, चलो 9.8 से सॉल्व किया, x is 0.2, k कितना आ रहा है देखो यहाँ से,
K is coming to be 2500. Okay. न्यूट्रल पर मीटर. ऑल राइट. बस उसके बाद क्या करना है, बोला है कि कितने. नाउ यू आर सस्पेंडिंग सम अदर मास एंड ऑसिलेटिंग जिसका टाइम पीरियड 0.6 आ रहा है. व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी, उसका वेट कितना आएगा, एम डैश निकाल लो. व्हाट, यहाँ से फुल वेट से फुल एक्सपेंशन, तो उससे हमें के मिल गया, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट मिल गया. नाउ यू आर सस्पेंडिंग लेसर वेट एंड ऑसिलेटिंग. नाउ सपोज यू आर सस्पेंडिंग एम डैश, ठीक है, एंड ऑसिलेटिंग इट. पहले तुमने 50 kg पूरा 50 kg सस्पेंड किया तो 20 एक्सटेंशन हो गया. जस्ट मिनट, ठीक है. नाउ दिस इज द स्प्रिंग बैलेंस. अभी तुमने एम डैश सस्पेंड किया तो टाइम पीरियड इज 0.6. कौन सा फार्मूला, विच फार्मूला वी आर गोइंग टू यूज टू गेट एम डैश. कल डिराइव किया था ना, अभी तो डिस्कस किया. T इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ एम बाई के, एम डैश बाई के. तो इफ यू पुट इट नाउ 0.6 इंटू 2π इंटू एम डैश बाई के कितना है, 2500. तो दिस विल बी 50 है ना. रूट ऑफ एम डैश सॉल्व कर लो इसको. अभी ये कितना आ रहा है, 30, 15 by π, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग. ओके ठीक है, स्क्वायर कर लो 225 by π² इंटू इज इक्वल टू एम डैश. तो हमें वेट निकालना है, वेट इज इक्वल टू एम डैश इंटू जी. तो 225 by π² इंटू 9.8. तो पाई स्क्वायर एंड जी ऑलमोस्ट क्लोज होते, क्लोज टू 225 आएगा. एक्चुअल आंसर कितना दिया, 219 है. बिकॉज यहाँ पे भी हमने के की वैल्यू भी निकाली है, जी को 10 लेके निकाली है ना. So this you have to be, you have to calculate accurately. This method you should know. All right. Method you supposed to know properly. इसमें doubt है तो बोलो. ये 9.9 आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय 225. कोई जी की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने 10 लिए तो इसलिए थोड़ा डिस्क्रिपेंसी आ रही है. इट इज क्लोज आंसर कमिंग 219 अपना 225 बिकॉज जी की वैल्यू यहाँ पर. क्लियर. तो फुल वेट से फुल एक्सटेंशन, उससे के मिल गया. फिर व्हाट एवर वेट यू सस्पेंड हियर अकॉर्डिंग टू दैट टाइम पीरियड विल कम. मोर वेट यू सस्पेंड मोर टाइम पीरियड विल कम. व्हाट विल बी द टाइम पीरियड इफ यू सस्पेंड फुल वेट, 50 सस्पेंड करेंगे तो कितना होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा कि घटेगा. इट विल गो अप बिकॉज मास इज मोर, रूट 2 times, 2.5 times रूट के अंदर. ठीक है, got it. This is question number 8. What about this question? Okay, our meeting will be disconnected, class will be disconnected at 8:40. We will join again, class is up to 9 o'clock. And afternoon as usual, afternoon ka jo schedule hai kal jaisa hi hai almost, 1:15 se 2:40 tak.
देखो ये दिस इज द वन सिचुएशन यू आर अप्लाइंग द फोर्स एंड देन लीविंग इट एंड इवन इफ फोर्स सपोज इफ यू कीप अप्लाइंग द फोर्स फ्रॉम हियर इट हैज कम हियर देन यू दिस फोर्स रिमेन्स एज इट इज एंड यू अप्लाई द एक्स्ट्रा फोर्स ये फोर्स हटाएंगे नहीं सपोज ये तुमने पुल ओके यू सी वन थिंग तुमने कुछ यहाँ पे था ये पुल करके रखा है ना से यू आर अप्लाइड 10 न्यूटन फोर्स ठीक है समबड़ी कम्स एंड डिस्टर्ब ये 10 न्यूटन फोर्स इज फिक्स वी आर नॉट चेंजिंग समबड़ी कम्स एंड जस्ट पुश इट दिस साइड एंड यू आर नॉट चेंजिंग दिस फोर्स इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग फ्रॉम दिस पोजिशन ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजिशन हो जाएगी जैसे वर्टिकल में क्या होता है यू हैंग द मास इट विल गो फ्रॉम हियर टू हियर है ना यहाँ से नीचे आ गया तो ये इक्विलिब्रियम हो गई यहाँ पे एम जी विल बी इक्वल टू के एक्स समथिंग बट इक्विलिब्रियम हो गई है नाउ यू पुश इट डाउन एंड लीव तो ये इस पोजिशन से ऑसिलेट करता है दैट इज वॉट कैन बी डन इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन यू की सम फोर्सेज अप्लाइड इट विल कम टू द इक्विलिब्रियम यहाँ पर एफ विल बी इक्वल टू के एक्स तो ये इक्विलिब्रियम पोजिशन हो जाएगी अभी थोड़ी सी इनिशियल पोजिशन ये नेचुरल लेंथ पे यहाँ पर है यू अप्लाई द फोर्स इक्विलिब्रियम पोजिशन हो गई नाउ यू कैन ऑसिलेट फ्रॉम हियर तो इफ एक्स्ट्रा फोर्स समबडी इज विजिबल हियर देन ऑल्सो टाइम पीरियड इज नॉट गोइंग टू बी चेंज टू पाई क्या फॉर्मूला है टू पाई एम बाई के अंडर रूट में ये फार्मूला रहेगा तो इसके लिए तो सेम आंसर है टू यहाँ पे देखते क्या आंसर है अच्छा इन्होंने पूछा है पहले एक्स निकालो पहले चेंज ऑफ लेंथ निकालो टाइम पीरियड बाद में बोलो चेंज ऑफ लेंथ कैसे निकालेंगे पार्ट ए मैक्सिमम एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे व्हेन फोर्स इज एफ इज अप्लाइड इन दिस केस आल्सो इन दिस केस आल्सो बोलो मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इन टू केसेस एनीबडी तो व्हेन वी अप्लाई द फोर्स तो दिस विल मूव दिस साइड टिल द स्प्रिंग प्रोड्यूसेस द रिस्टोरिंग फोर्स विच इज इक्वल टू के एक्स विच इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स है ना एफ विल बी इक्वल टू के एक्स स्प्रिंग इज देयर तो एक्स इज इक्वल टू एफ बाई के इसमें भी सेम दो यहां पर क्या होगा ओके लेट मी ड्रॉ इट विद द रेड पेन यहां पर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा इट विल बी के एक्स यहां पर भी एफ है ये भी इक्विलिब्रियम में के एक्स यू चेक द इक्विलिब्रियम ऑफ वन ऑफ द ब्लॉक्स दोनों केसेस में चेक द इक्विलिब्रियम ऑफ वन ऑफ द ब्लॉक्स ओनली इसमें दोनों का नहीं सोचना है इसका इक्विलिब्रियम चेक कर लो जब अप्लाइड फोर्स स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा के एक्स के बराबर देन इट विल बी इन इक्विलिब्रियम इन बोथ केसेस चेंज ऑफ लेंथ इज इक्वल टू दोनों में एफ बाई के द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट आर यू गेटिंग इट दोनों में रिस्टोरिंग फोर्स इक्विलिब्रियम में इधर में भी के एक्स यहां पर भी के एक्स दैट शुड बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स तो इसका सिंगल ब्लॉक पे फोकस करना है इसमें तो एक ही ब्लॉक है तो दोनों में ये आंसर हो गया नाउ टाइम पीरियड फर्स्ट केस में तो ये है ये तो मोस्ट आइडियल सिचुएशन है हमने डेरिवेशन भी किया इसका बी पार्ट का इन फर्स्ट केस ठीक है सेकेंड केस में इट इज डिफरेंट सेकेंड केस का मैं तुम्हें रिजल्ट तो बता रहा हूं बट हाउ डू वी गेट दिस वी विल डिस्कस लेटर ऑन इसको हमें वी हैव टू मेक टू इक्वेशंस एंड सॉल्व इट लेंथी डेरिवेशन है इसका बट मे नॉट बी रिक्वायर्ड बट पहले रिजल्ट सुन लो उसका देखो तो ये जब इस तरह की सिचुएशन होती है व्हेन टू मासेस आर कनेक्टेड बीच में स्प्रिंग है ठीक है वी अप्लाई द फोर्स और वी फिक्स इट एट वन साइड यहाँ बट इसमें फिक्स नहीं करते इसमें ऐसे दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगा के छोड़ दिया जाता है इसको खींच दो ऐसा और देन दे विल ऑसिलेट विद द कॉमन फ्रीक्वेंसी ठीक है तो उसमें क्या करते हैं इसमें ऐसा लिखते हैं
इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें सेकंड पार्ट एम डैश बाई के, दो मासेज होते हैं ना, तो उसका एम डैश लिखते हैं, वेयर एम डैश विल बी इनका एम वन इंटू एम टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू। तो इसका जो डेरिवेशन से आता है ये, इसको सिंगल मास में कन्वर्ट करके मतलब दो इक्वेशन बनाते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी से, तो वी गेट दिस डेरिवेशन। लाइक डेरिवेशन ऐसा आ जाए, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाती है, दिस वैल्यू कम्स हियर, तो उसको हमने शॉर्ट में एम डैश लिख दिया, है ना। तो कितना आएगा एम डैश, यहाँ पे दोनों मासेस इक्वल है, एम इंटू एम टू एम, तो दिस इज एम बाई टू, तो टी विल बी दिस डेरिवेशन आई विल शो यू नॉट नाउ, टाइम लगता है उसको डिराइव करने में, एम बाई टू के एज ए न्यूमेरिकल यू कैन यूज इट डायरेक्टली, जो भी मास, सपोज ये 1 kg दिया है और दूसरा 2 kg दिया है, तो एम डैश कितना आएगा, 1 into 2/3, 2/3 आ जाएगा, जो भी मास, इसको कभी कभी रिड्यूस मास भी बोला जाता है, रिड्यूस्ड मास, सिंबल ऐसे दे दिया जाता है लर्निंग के लिए, रिड्यूस मास। दिस इज द पॉइंट विच needs the more explanation, but फिलहाल इतना लिखो, sometimes they give you directly numericals, theory part नहीं रहती। So this was question number 13 था। One more question I want to discuss of this topic. अच्छा ये combination हो गया, where is that question? Just a minute, let me bring that question. All right. And here is this question. यहाँ पर है, इसको just let me take it there. Now, this is the interesting question.